दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि पीवीएनएल में ईआरपी सिस्टम लागू हो गया है और हमारे बहुत से साथियों को उससे मटेरियल इशू करने रिसीव करने में दिक्कतें भी आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है 1S की। 1S अगर हमारे पास जनरेट हो पा रहा है तो हम अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं प्रॉपरली, नहीं तो दिक्कत आती है फिर। तो जैसे कि आपको पता है कि 1S की रिपोर्ट ईआरपी से भी जनरेट होती है, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम अभी तक अपना 1S बनाते आए हैं, वो उससे काफ़ी डिफर है। तो मैंने आप सभी की मदद के लिए एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसके ज़रिए आप ईआरपी की रिपोर्ट को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले हम अपनी लॉगिन आईडी पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम टी कोड चलाएंगे, ZMM 3012। ये हमारी 1S रिपोर्ट के लिए हमको दो बटन देगा, एक इशूड रिपोर्ट और एक रिसीव्ड रिपोर्ट। तो हम पहले इशूड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। कंपनी कोड PVNL प्लांट कोड सब अपना अपना डालेंगे। मेरा है PS3F। स्टोरेज लोकेशन AS08। जो आपकी जो है वो आप अपनी डालोगे। और कब से कब तक का 1S लेना है आपको, यहाँ पर आप डेट डालोगे इसमें। अब देखिए, जैसे मुझे 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक का 1S लेना है इशू का। ये हमने डेट यहाँ पर पोस्ट कर दी। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ से। ये हमारी रिपोर्ट जनरेट होकर आ गई। अब दोस्तों, इसमें हमें करना क्या है, हम इसमें ये जो आपका एक्सेल फॉर्मेट में आ रहा है डाटा, इसमें कहीं पर भी हम राइट क्लिक करेंगे। आपको ये स्प्रेडशीट का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसको ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर आ रहा है करंट में। इसको राइट करेंगे। ये फाइल को सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको एक्सपोर्ट इशू कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहो अपनी सुविधा के हिसाब से। मैं इशू दे देता हूँ 20 जनवरी 2021, सॉरी। हम इस फाइल को सेव कर देंगे। ये फाइल क्रिएट हो गई दोस्तों। ऐसे ही हम पहले, अभी 1 मिनट, दोबारा से हम इसमें बैग जाएंगे यहाँ से, और एक बार और बैग जाएंगे। हमको रिसीव का रिपोर्ट भी लेनी है साथ में। वही सेम कंपनी कोड PVVN, रिसीविंग प्लांट कोड अपना जो भी आपका है PS3F, स्टोरेज लोकेशन AS08, पोस्टिंग डेट हमको जनवरी मंथ की लेनी है, जनवरी अकाउंटिंग मंथ की। तो 23 दिसंबर से 22 जनवरी, और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इसको भी सेम पहले की तरह एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने एक्सेल फॉर्मेट में। कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, किसी भी, मतलब कहीं पर भी करेंगे आप, तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास, स्प्रेडशीट। और सेम इस तरह से इसको राइट करेंगे, और इसको फाइल नेम हम अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी देना चाहें, जो भी देना चाहें।
ये हमारी दोनों रिसीवर इशू की हमने रिपोर्ट जनरेट करा ली ईआरपी से, ठीक है। अब हमें ईआरपी की ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो इसको लॉग ऑफ कर सकते हैं। ये दोस्त देखो, ये दोनों फाइलें डेस्कटॉप पर मेरे यहाँ पर सेव हो गई हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमको करना क्या होगा कि ये मैंने एक फाइल बनाई है जो आपकी इसको रिपोर्ट को कन्वर्ट कर देगी आपके स्टैंडर्ड 1S फॉर्मेट में। आप इसको यहाँ से रन करेंगे फाइल को। अब आपके पास ये दो बटन आ रहे हैं, ये एक बटन तो है, अगर आपको 1S रिसीव बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, 1S इशू बनाना है तो इस पर करेंगे। तो हम बारी बारी दोनों को करके देखते हैं। अब हमने जो है अपनी फाइलेट कहाँ डेस्कटॉप पे सेव की थी, जो ईआरपी की रिपोर्ट हमने जनरेट की थी, और हमें रिसीव का, हमने रिसीव पे क्लिक किया है तो हम रिसीव वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट रिसीव। इसको ओपन करेंगे यहाँ से। अब ये पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, मतलब जो एस की अपनी रिपोर्ट अपना 1S जनरेट कर रहा है उसका नाम क्या है। जैसे मेरा नाम विशाल आनंद है, स्टोर एड्रेस ESSC DHM PUR आप अपने डाल सकते हो। अच्छा, ये पूछ रहा है आप अपनी फाइल को जो आपका 1S बनेगा इसको कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, कौन सी ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं। DEF जो भी आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करते हो उसका एड्रेस डाल दो। जैसे मैं, मेरे पास ई ड्राइव है तो ई में सेव करता हूँ। CA जर्नली लेता नहीं है, कारण पता नहीं क्या है, सी ड्राइव लेता नहीं है इसलिए मैंने ई में डाल दिया इसको। ये देखिए दोस्तों, ये आपका रिसीव का 1S जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसी में निकल कर आ गया। ये आपका पहला है इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर समझ लीजिए ईआरपी की भाषा में, जिससे आपने रिसीव किया है। और ये आपका मटेरियल रिसीव फ्रॉम, कहाँ से आप रिसीव कर रहे हो। जैसे मैंने पीपी इंडस्ट्रीज 48 ट्रांसफार्मर रिसीव किए थे 25 के, मुरादाबाद सेंटर से 6 CT रिसीव की थी, बिजनौर स्टोर से केबल सिंगल कोर 400 का रिसीव किया था। पूरी इसने हमारा जो स्टैंडर्ड 1S फॉर्मेट है उसमें इसने इसको क्रिएट कर दिया, जो ये ईआरपी की फाइल थी। तो आप इसको अपनी सुविधा के हिसाब से आगे इसमें जो भी करना कर सकते हैं अपने, अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो। ऐसे ही हम इसको भी फिलहाल फाइल, अच्छा ये फाइल कहाँ पर बनी है ये और देख लीजिए। ये मैंने ई ड्राइव डाली थी तो हम ई ड्राइव में जाएंगे तो ये देखिए ये बनकर यहाँ पर जनरेट होकर आ गई फाइल, ये आ रही है। अब इसी तरह से हम इशू रिपोर्ट जनरेट करेंगे अपने इशू 1S। पहले की तरह फाइल को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इशू, वही नाम अपना कुछ भी जो भी डालना हो, हम पूर्व कौन सी ड्राइव ई या आप CDEF जो भी आपके कंप्यूटर में है वो डाल सकते हो, आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए वो ड्राइव। ओके करेंगे, ये देखिए ये आपका इशू का 1S बन के आ गया, 1S इशू ऑफ श्री विशाल आनंद, और ये आपका इनवॉइस नंबर आ गया, ये इनवॉइस डेट आ गई, और ये आपका डिवीजन नेम आ गया, मेटल इशू टू आ गया, किसको मेटल इशू किया, STO किस STO नंबर के अगेंस्ट इशू किया है, और जो भी आपने मेटल इशू किया हुआ सब आपका उसमें आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये फाइल आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी, तो आप इसको यूज़ करेंगे और नहीं होगी तो मत करिएगा, आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद।